अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ देशा कबाब की बहुत ही शानदार और परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी। ये ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और रेशेदार कबाब बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देशा कबाब बनाने के लिए मैंने 1 किलो गोश्त लिया है, ये बोनलेस है। इसमें ऐड करेंगे हम 1 बड़ा प्याज, 2 मीडियम साइज़ आलू ऐड करेंगे, 1 कप चने की दाल को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था, ये भी ऐड कर देंगे। अगर आप आधा किलो गोश्त ले रहे हैं ना, तो आधा कप दाल ऐड करिएगा। 2 चम्मच नमक ऐड करेंगे, 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 3 बड़े चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसमें ऐड करेंगे 2 कप पानी। पानी हम बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हमें बाद में ड्राई करना पड़ेगा। जहाँ तक हमारा ये गोश्त और दाल का लेवल है ना, वहीं तक ऐड करेंगे। मैंने 2 कप पानी ऐड किया है। कवर करेंगे, हाई फ्लेम पे 1 सीटी लगाएंगे और जैसे 1 सीटी लग जाएगी ना, तो फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे हम गोश्त के अच्छे से गलने तक पकाएंगे। मैं 5 सीटी और लगाऊंगी। देखिए 5 सीटी लग गई है, फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसका प्रेशर खुद से रिलीज़ होने देंगे। देखिए इसका प्रेशर रिलीज़ हो गया है, खोल लेते हैं। मैंने कुकर को खोल लिया है, मुझे पानी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, चला के देख लेते हैं। हमने इसे मैश करेंगे, कोई भी एक पोटैटो मैशर लेंगे, उससे मैश कर लेंगे। इसे ना हम थोड़ा भून भी लेंगे, जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो सब ड्राई हो जाएगा, थोड़ा ये ड्राई हो जाएगा। देखिए मैंने इसे मैश कर लिया है और थोड़ा भून भी लिया है, जिससे थोड़ा ड्राई हो गया है। मिक्सचर को ना हम एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए मैंने एक बाउल में निकाल लिया, मैंने आधा अभी निकाला है, आधा हम बाद में बनाएंगे। देखिए इसका रेशा भी अलग दिखाई दे रहा है। इसमें ऐड करेंगे हम 1 बड़ा प्याज जो मैंने चॉप कर लिया है, धनिया ऐड करेंगे, 2 हरी मिर्ची ऐड करेंगे और थोड़े से पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची को स्किप कर दें। मिक्स करेंगे, देखिए मैंने मिक्स कर लिया है, कबाब बना लेते हैं। हाथों को थोड़ा ग्रीस करेंगे, थोड़ा पोर्शन लेंगे और कबाब को शेप देंगे। आप छोटे बड़े किसी भी साइज़ के बना सकते हैं, जो भी साइज़ आपको पसंद हो आप बना लें। देखिए बन गया है, ऐसे ही हम सभी कबाब तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने सभी कबाब तैयार कर लिए हैं। इन्हें हम 2 तरीके से फ्राई करेंगे, 1 अंडे के साथ फ्राई करेंगे और 1 बिना अंडे के फ्राई करेंगे। अभी मैं अंडे के साथ फ्राई करके दिखा रही हूँ। 1 अंडा लेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, 1 बड़ा चम्मच दूध ऐड करेंगे और अंडे को अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए मैंने अंडे को अच्छे से फेंट लिया है। 1 कबाब उठाएंगे और अंडे में डिप करेंगे। मैंने ऑयल पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल हमारा गर्म है, इसे हम ऑयल में डाल देंगे। मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। 1-1 कबाब उठाते जाएंगे, अंडे में डिप करेंगे, ऑयल में डालते जाएंगे, फ्लेम को मीडियम रखेंगे। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। देखिए 1 से 1.5 मिनट हो गई है, ये फ्राई हो गए हैं, साइड टर्न कर देते हैं। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं। सभी की साइड टर्न करेंगे। और इधर से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए इधर से भी फ्राई हो गए हैं, निकाल लेते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है, सभी को हम निकाल लेंगे। देखिए मैंने सभी कबाब को निकाल लिया है। अब मैं बिना अंडे के भी आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। आपको जो भी पसंद हो ना, आप उस तरीके से फ्राई कर लीजिएगा। इन्हें भी हम 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करेंगे। वो जैसे ही नीचे से फ्राई हो जाएंगे ना, साइड टर्न कर देंगे। ये साइड टर्न कर देते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है, सभी की साइड टर्न करेंगे और इधर से भी गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे।
फ्लेम को मीडियम रखेंगे। ये बहुत ही टेस्टी रेशेदार कबाब तैयार होते हैं, आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। देखिए दरसी भी फ्राई हो गए, निकाल लेते हैं। अब बहुत आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बनते हैं। देखिए मैंने दोनों तरह के कबाब तैयार कर लिए हैं, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ, ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है। देखिए माशाल्लाह इसमें कितना अच्छा रेशा आया है। इसे मैंने ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है, जो हम कबाब के लिए ग्रीन चटनी बनाते हैं ना दही के साथ, आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपकी फ़ैमिली को पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेशा कबाब की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। अल्लाह हाफिज़।